हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। आज मैं आपके लिए चार तरह के पेस्ट्री की रेसिपी लाई हूँ। पेस्ट्री आप सभी का फेवरेट होगा, मेरा भी फेवरेट है और मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। हम लोग अक्सर बाजार से खरीद कर खाते हैं और मन नहीं भरता है। सोचिए, यही चीज अगर आप अपने घर में बना पाते तो कितना अच्छा होता। सोचते है ना कि हम एक की जगह चार पेस्ट्री खाते, तो आज मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने वाली हूँ। घर में चार तरह के पेस्ट्री तैयार करेंगे और जितना मन चाहे खाइए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। पेस्ट्री को हम कई तरह से बना सकते हैं, केक से भी बना सकते हैं, ब्रेड से भी बना सकते हैं और रस से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम केक से पेस्ट्री तैयार करेंगे। तो केक से पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक बनाना होगा। तो केक बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, आधा कप चीनी लिया है, पिसी हुई चीनी है, और एक चौथाई कप बटर लेंगे। कांच का एक बाउल लेंगे, इसमें चीनी का पाउडर और बटर दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे फेंटेंगे। यही टाइम होता है जिससे केक बढ़िया बनता है। मतलब चीनी और बटर को जितना आप फेंटेंगे, केक उतना ही हल्का बनेगा, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमें इसे फेंटना है। इतना हम फेंटेंगे ताकि यह क्रीम की तरह दिखने लगे, बिल्कुल हल्का हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफी देर इसे फेंट लिया है और यह तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें एक कप मैदा डालेंगे, एक चौथाई चम्मच यानी कि 1 ग्राम बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 ग्राम बेकिंग सोडा डालेंगे। घोलने के लिए मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गुनगुना मिल्क ले लिया है और थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हुए इसे हम फेंटना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हमें इसमें फ्लेवर डालना है। अगर आपको प्लेन बनाना है तो ऐसे ही बना लेंगे, और आज मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच कोको पाउडर। तो 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और फिर से हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, हमें इसे और पतला करना है, तो थोड़ा थोड़ा दूध हम और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट कर तैयार करें। ध्यान रखें कि एक ही साइड आपको घुमाना है, कभी इधर कभी इधर नहीं घुमाना है, यानी कि दोनों साइड से नहीं घुमाना है, एक साइड से घुमाएंगे ताकि इसके अंदर एयर बनी रहे। और थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें थिक रखना है। एक स्पून ले, इसे पोर करें, और आसानी से पोर होता है तो इसका मतलब है कि ये बैटर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लिया है, या तो बेक होने के लिए तैयार है। बेक करने के लिए हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और तवा पर भी कर सकते हैं। तो आज मैं इसे तवा पर बेक करूंगी। तो मैंने लिया है एक तवा जिसको गर्म होने के लिए रख दिया है। आप भी ध्यान रखें, अगर आप पैन में बनाते हैं तो जो सबसे मोटा पैन हो उसी का इस्तेमाल करें। तो पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम बिछा देंगे एक बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर बटर लगा देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने बटर भी फैला दिया है, बटर पिघल चुका है। अब हम इसके ऊपर केक का मिक्सचर डाल देंगे। तो सारे मिक्सचर हम पोर कर देंगे और सभी को इक्वल कर देंगे। थोड़ा सा हम शेक कर देंगे ताकि बैटर चारों तरफ बराबर फैल जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक लिड डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे बेक करेंगे। लगभग 30 सेकंड का टाइम हम लो टू मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। पकते हुए जब 2-3 मिनट हो जाए, इसकी अच्छी खुशबू किचन में फैलने लगे, अरोमा जब चारों तरफ फैलने लगे, तब आप इसे फोक करके देखें। और अगर आपको खुशबू का पता नहीं चलता है, तभी भी लगभग 2-3 मिनट बाद आप इसे एक बार चेक करें। एक फोक ले, स्पून ले और इससे इसे चेक करें। अगर स्पून के साथ बैटर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि यह कच्चा है। थोड़ी देर इसे और पकने दें। अब यह केक बनकर तैयार हो चुका है, अंदर तक अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यह ठंडा हो चुका है, मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। डीमोल्ड करने के बाद हमें इसे कट करना है। पेस्ट्री के साइज के अनुसार हमें इसे कट करना है। तो इसे हम स्क्वायर में भी कर सकते हैं और इसके पेस्ट्री के साइज भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मेरा राउंड शेप में है, तो मैं चारों तरफ से इसके थोड़े थोड़े पोर्शन निकाल देती हूँ, कट कर देती हूँ, और इसके बीच का 2 बड़ा पीस निकालेंगे पेस्ट्री के लिए। केक बनकर तैयार हो चुका है, अब हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए। पेस्ट्री
बनाने के लिए इसे हम सजाएंगे ना, तभी तो ये पेस्ट्री बनेगा, तभी तो बिल्कुल बाजार जैसा खाने में और देखने में भी लगेगा। तो इसके लिए आपको बाजार से व्हिपिंग क्रीम खरीद कर लाना है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप दो पेस्ट्री बना रहे हैं तो एक पॉक क्रीम से आपका काम चल जाएगा। तो आप बाजार से व्हिपिंग क्रीम मंगा लें, और इसके बाद आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आधा किलो क्रीम मंगा लिया है, क्योंकि मुझे चार रेसिपी तैयार करना है। तो एक बड़े साइज का कांच का बाउल ले लिया है और सारे क्रीम को मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे व्हिप करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिकल विस्कर हो तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, फटाफट व्हिप हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल विस्कर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको व्हिप करना है। लगभग 30 सेकंड जब हम व्हिप करेंगे, इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा चीनी डालना है। यह पहले से स्वीट होता है बट थोड़ा हल्का होता है, तो हम 2 चम्मच इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास भी और आ जाए और भी यह अच्छी तरह से व्हिप हो जाए। 2 चम्मच आइसिंग शुगर डालकर फिर से इसे व्हिप करना शुरू करेंगे। ध्यान रखें कि व्हिप करते समय इसको स्पून से मिलाते रहे, अंदर बाहर सभी चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स करते रहे ताकि अंदर तक यह अच्छी तरह से व्हिप हो सके। तो अब आप देख सकते हैं कि यह व्हिप हो चुका है, यह यूज के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम पेस्ट्री को डेकोरेट करेंगे, बट इस क्रीम को मैं 2 फ्लेवर में तैयार कर रही हूँ, तो मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे बाउल में क्रीम ज्यादा है, क्योंकि मैं इससे आइसक्रीम भी बनाने वाली हूँ और पेस्ट्री भी बनाने वाली हूँ। तो थोड़ी सी व्हाइट क्रीम मैं निकाल कर रख लेती हूँ, अलग कर देती हूँ, और इसी से मैं दोनों चीज बनाकर तैयार कर लूंगी। बचे हुए में मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। कोको पाउडर कड़वा होता है, तो इसमें जाने के बाद इसकी स्वीटनेस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले कोको पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे 4 चम्मच आइसिंग शुगर। आप इसे थोड़ा सा चेक करके भी देख सकते हैं, चक्कर देख सकते हैं, इसके स्वीटनेस को चेक कर सकते हैं, और जितना मीठा आपको चाहिए उसी हिसाब से इसे ले। तो लगभग 15 से 20 सेकंड आप इसे मिक्स करेंगे तो यह तैयार हो जाता है। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम पेस्ट्री बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम केक का एक पीस उठाएंगे और इसके ऊपर क्रीम फैलाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी तरह से इसके ऊपर हम फैलाएंगे। इसके बाद हम दूसरा पीस रखेंगे और दूसरे पीस के ऊपर भी क्रीम अच्छी तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद आपको इस तरह से कट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रीम की कोटिंग कर दिया है, और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए आप कोई सभी चीज डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ले रही थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, मेरे पास टूटी फ्रूटी है तो मैं इसे डेकोरेट कर देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी इस तरह से रखेंगे और इसे डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा, और खाने में तो बाजार से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। जब से मैंने घर में केक पेस्ट्री बनाना शुरू किया है, तब से मेरे बच्चे बाजार का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ना ही बाजार का कोई आइसक्रीम पसंद आता है किसी को, और ना ही केक या पेस्ट्री। सबको अपने घर का ही अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर पर पेस्ट्री तैयार कीजिए, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आएगा। देखने से इतना डिलीशियस लग रहा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, ये आप अमेजिन कर सकते हैं। हमारी पहली पेस्ट्री रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से पेस्ट्री तैयार कीजिए, और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पर। दूसरी रेसिपी में हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 6 व्हाइट ब्रेड ले लिया है, यानी मैदे वाला ब्रेड ले लिया है, और 1 चम्मच चीनी के पाउडर को 3-4 चम्मच पानी में घोल दिया, यानी हमें थोड़ा सा मीठा घोल चाहिए। तो एक ब्रश की सहायता से ब्रेड के ऊपर इस तरह से हम चीनी वाले सिरप से इसे
हल्का हल्का भिगोएंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए और इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम की कोटिंग करेंगे। दूसरी रेसिपी में आप देख सकते हैं कि इसे मैं कीप से डेकोरेट करूंगी। मैंने एक कीप ले लिया है और एक ग्लास में डाल दिया है, इसमें सेट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर क्रीम भर दूंगी और इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी फैलाना बहुत ही आसान होता है। पहले हम ब्रेड के चारों तरफ बनाएंगे और इसके बाद हम इसे बीच में भरेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसे हम फैला देंगे। इसके ऊपर से हम दूसरा ब्रेड रखेंगे। फिर से हम एक बार क्रीम की कोटिंग करेंगे और फिर से हम इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे। तो इसी तरह से हमें तीनों लेयर का कोटिंग तैयार करना है। तीन लेयर देंगे और इसके तीन कोटिंग देंगे। तीनों लेयर से मैंने कोटिंग कर दिया है, चारों तरफ से इसको ठीक कर दिया है और अब मैं इसे सजाने के लिए हम ग्रेटेड चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है और इसके बाद हम ऊपर से डालकर इसे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, चॉकलेट का एक लेयर दे देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चॉकलेट का लेयर बिछाने के बाद हमें इसे कट करना है। कट करके हम इसको पेस्ट्री का शेप दे देंगे। आप बिना कट किए हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे दोनों पीस को दो दो टुकड़ों में काट देती हूँ और इसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। बट मैंने इसे ब्रेड से बनाया है और शुगर सिरप से मैंने इसे हल्का गीला किया है, तो यह बहुत ही सॉफ्ट है। तो अभी आप इसे खा नहीं सकते हैं, इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रख दे। फ्रिज में रखने से यह सेट हो जाता है, इसके बाद आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लग रहा है बिल्कुल बाजार जैसा पेस्ट्री। तो इसी तरह से पेस्ट्री बनाइए और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी रेसिपी के तरफ। तीसरी रेसिपी में मैं केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट रेसिपी की तरह मैंने एक केक का टुकड़ा लिया है, इसके ऊपर क्रीम फैला दिया है। फिर से मैंने दूसरी केक का टुकड़ा रख दिया है, इसके ऊपर फिर से मैंने क्रीम फैला दिया है और इस तरह से चारों तरफ से मैंने क्रीम की बढ़िया कोटिंग कर दिया है। ये चॉकलेट वाला क्रीम है, तो चॉकलेट फ्लेवर में इस पेस्ट्री को हम तैयार करेंगे। फैलाने के बाद आपको इस तरह से कट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रीम की कोटिंग कर दिया है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सभी पर क्रीम रखेंगे, व्हिपिंग क्रीम थोड़ा थोड़ा रखेंगे और इसके ऊपर हम एक एक चेरी रखेंगे। और चेरी रखने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, देखने से बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। तो इसी तरह से पेस्ट्री बनाइए और मैं आपको एक एक पीस निकाल कर आपको दिखा देती हूँ कि इसके बीच में किस तरह से है, अंदर किस तरह से है और इसके तीनों लेयर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से पेस्ट्री तैयार हुआ है। तो लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा पेस्ट्री। अब अपने घर पर इतना बढ़िया पेस्ट्री तैयार कर सकते हैं तो बाजार से क्यों खरीदना। चारों रेसिपी तैयार हो चुकी है, तीन रेसिपी मैंने आपको दिखा दिया है, एक रेसिपी मेरी मिस हो गई है, वो भी इसी तरह से तैयार करना है। अपने पसंद का फ्लेवर और अपने पसंद का ब्रेड, केक या रस किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो इसी तरह से पेस्ट्री आप अपने घर पर बनाइए, अपने बच्चों अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।